पिछले केसीआर साहब, मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं। हां, कोशिशें जारी है हमको डराने की, धमकाने की, दबाने की। दिल्ली के बड़े बड़े लीडर जो है, मोदी, अमित शाह, बहुत कोशिश कर रहे हैं टीआरएस पार्टी को, केसीआर साहब की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक लौती आवाज है तेलंगाना की, इसको बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे एक वादा करते हैं, आज निजामाबाद में हम डरेंगे तो किसी के बाप से नहीं डरेंगे। दिल्ली वाले नहीं, किसी के बाप से नहीं डरते। मोदी क्या और कोई क्या, दिल्ली वाले किसी के बाप से नहीं डरेंगे। और एक और वादा भी आपसे करते हैं, एक और वादा आपसे करते हैं, रुकना यार, एक और वादा भी आपसे करते हैं। जब तक रहेंगे सियासत में, जब तक रहेंगे सियासत में, सेक्युलर ही रहेंगे, सेक्युलर ही रहेंगे और सेक्युलर ही बन के आगे चलेंगे। जब तक रहेंगे सियासत में तब तक ऐसे ही चलेंगे। आप ये अफवाहें गुमराह करने की जो कोशिश आज कांग्रेस कर रही है, इन बातों में विश्वास ना करें। मैं एक और चीज भी कहता हूं आपसे, आज बहुत कोशिश है, बहुत सारे साजिश भी चल रहे हैं हमको बार बार बीजेपी का दोस्त दिखाने की। मैं फिर से कहता हूं, गर्दन कट जाए परवाह नहीं, दिल्ली के सामने सर नहीं झुकाएंगे, वादा है आपसे। आप हमें मजबूत करो। आज कांग्रेस में काबिलियत नहीं है, बीजेपी को हराने की काबिलियत कांग्रेस में नहीं है। आज पूरे रियासत तेलंगाना में, गोशा महल में जो एक बदमाश लड़ रहा है, राजा सिंह, उसको कल आप हरा के हम आपके पास वापस आएंगे। निजामाबाद गोशा महल में उसको हरा के आपके पास वापस आएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये बात, आप सोचिए दो मिनट। आज गोशा महल में किसको खड़ा करी कांग्रेस? एक डमी कैंडिडेट को। करीमनगर में जहां बंडी संजय जो खुलेआम मस्जिदों को खोदने की बात करता, किसको खड़ा करें वहां पे? एक डमी कैंडिडेट को खड़ा करे कांग्रेस। फिर आप जाओ कोरुटला, यहां पे एक आपके एमपी है जो हर दिन सुबह से लेकर शाम तक, उसके खिलाफ